जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही है, इस टाइम पे हमारा देश एक बहुत बड़े पेंडेमिक से गुजर रहा है, विच इज नोन एज कोविड-19। अब ऐसे में एक दिक्कत खत्म नहीं हुई थी कि दूसरी आ पड़ी। आप न्यूज में देख ही रहे होंगे, एवियन इन्फ्लुएंजा, विच इज कॉमनली नोन एज बर्ड फ्लू। अब ये होता तो पक्षियों के लिए, बट इससे इंसान को भी हानि है। इसी वजह से इंडिया के अंदर 10 स्टेट्स के अंदर बहुत सारे चिड़िया जो इससे इन्फेक्टेड हैं उनको डायग्नोस करके मारा जा रहा है। अब इस वजह से आप मार्केट में चिकन एंड एग्स वगैरह भी नहीं देख रहे होंगे। अब सवाल ये उठता है, क्या इस टाइम पे चिकन एंड एग कंज्यूम करना सेफ है, या पोल्ट्री की चीजें कंज्यूम करना सेफ है या नहीं? तो यार देखो, इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू, क्योंकि गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि आप कोई भी चीज खा सकते हैं अगर आप उसको 30 मिनट्स तक 70 डिग्री सेल्सियस पर कुक कर रहे हैं। बट इंडिया में एक छोटी सी दिक्कत है, क्योंकि बहुत सारे घर के अंदर नॉनवेज अलाउड नहीं होता, इस वजह से मोस्ट ऑफ द पीपल बाहर से खाना प्रेफर करते हैं, जैसे किसी स्टॉल से या कोई रेस्टोरेंट से। तो उस सीन में ये सवाल उठता है, क्या वो लोग गवर्नमेंट की वो रूल्स फॉलो करते हैं, उनको पता है इस बारे में? नहीं ना, यही डाउट हमारे माइंड में भी आता है, यही जरूर आपके माइंड में भी आता ही होगा। एंड इसके बारे में ना आप जानते हो ना मैं जानता हूं, ये तो वही लोग जाने। तो अब अगर आप मेरी एडवाइस मानेंगे तो अकॉर्डिंग टू मी, अगर 10 दिन में या आप एग या चिकन नहीं खाएंगे तो मर नहीं जाएंगे, जान है तो जहान है वाला कॉन्सेप्ट है। बट सवाल उठता है, अगर ये नहीं तो क्या? क्योंकि कुछ लोगों की डाइट के अंदर ये सबसे पहली प्रियोरिटी होती है, एग्स एंड चिकन। तो आज इस वीडियो में आपको उसी चीज का आंसर मिलेगा कि अगर एग या चिकन नहीं तो क्या, अगर ये नहीं तो क्या। तो चलिए इस वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। मेरा नाम है वैभव सिंह एंड यू आर वॉचिंग अल्फा मेंस। इस लिस्ट को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर है कि आपको बस एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, इस लिस्ट के अंदर मेंशन जो भी आइटम है वो आपके गोल्स एंड बीएमआई के साथ फिट बैठते हैं या नहीं। अब गोल से मेरा मतलब था फैट लॉस या फिर मसल बिल्डिंग, दो तरीके के गोल यूजुअली लोगों में ज्यादा दिखते हैं। एंड बात करते हैं बीएमआई की, तो बीएमआई होता है बॉडी मास इंडेक्स, जो आपकी हाइट एंड वेट की मदद से निकाला जाता है, उसका फॉर्मूला होता है ये। तो चलिए इस वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। सो फर्स्ट आइटम इन आवर लिस्ट इज मूंग बीन, हरी मूंग दाल। अब जो भी मैं आपको इसके बारे में या आगे आने वाले आइटम्स के बारे में बताऊंगा वो मैं आउट ऑफ 100 ग्राम बताऊंगा कि 100 ग्राम के अंदर इतना प्रोटीन है, इतना कार्ब है, इतना फैट है, या इतना रेट होता है इसका। एंड ये चीजें मैं अपने मन से नहीं बताऊंगा, मैंने खुद गूगल पे से पढ़ी है। मैं आपको गूगल पे से लिया हुआ न्यूट्रिशन लेबल भी शो कर दूंगा यहाँ पे, ताकि आप लोगों को समझने में आसानी रहे। बैक ऑन टॉपिक आते हैं, इसकी मुझे सबसे अच्छी बात यह लगती है कि आपको 100 ग्राम के अंदर 24 ग्राम प्रोटीन मिलता है, बट फैट सिर्फ 1.2 ग्राम होता है, बट इट्स लोडेड विद कार्ब्स, 63 ग्राम कार्ब होता है, हाई इन फाइबर होती है ये, तो आपके लिए अच्छी चीज है। एंड अगर कोस की बात करूं तो 130 रुपए किलो आती है, यानी कि 100 ग्राम विल बी ऑफ रुपीज 13 ओनली, 13 रुपए में 24 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है। सो द सेकेंड आइटम इन आवर लिस्ट इज पनीर। बहुत सारे लोगों के तो ऑलरेडी मुंह में पानी आ गया होगा, बट न्यूट्रिशन लेबल की तरफ चलते हैं। ये न्यूट्रिशन लेबल जो इस टाइम आपकी स्क्रीन पे है, ये मैंने अमूल की साइट का दिखाया है, क्योंकि मैं इस टाइम पे अमूल का जो पनीर है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। आप किसी भी ब्रांड को प्रेफर कर सकते हैं, जो भी आप कंज्यूम करते हैं या करना चाहते हैं, जो भी अवेलेबल है। आई एम नॉट स्पॉन्सर्ड बाय अमूल इन दिस वीडियो। तो अब आगे बढ़ते हैं, इस लेबल के अंदर आप देख सकते हैं कि आपको 100 ग्राम पनीर के अंदर 20 ग्राम प्रोटीन मिलता है एंड 22 ग्राम यानी कि 22 ग्राम फैट मिलता है। अब कुछ लोगों को तो कांटा इस फैट पर अटक गया होगा कि नहीं यार बहुत ज्यादा है, इसका समाधान मैं आपको दूंगा। एंड दूसरी चीज है कार्ब्स, कार्ब्स इसके अंदर 4.5 ग्राम। अब अगर आप मार्केट से जाके लो फैट मिल्क लेके आते हैं एंड घर पे लाके उसको फाड़ते हैं और पनीर बनाते हैं, तो पनीर भी तो लो फैट मिल्क से जो बना है लो फैट पनीर कहलाएगा, उसके अंदर फैट की क्वांटिटी ऑलरेडी कम होगी, लॉजिक ठीक है।
एंड अगर आप इसी ब्रांड का पनीर लेते हैं तो 20 ग्राम जो आपको प्रोटीन ये दे रहा है, ये आपको देता है 35 रुपए में, 35 रुपीज में आपको 20 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है, विच इज नॉट एट ऑल बैड डील। सो द थर्ड नेम इन आवर लिस्ट इज फिश। अब आप सब लोग जानते हो मार्केट में बहुत सारी फिशेज अवेलेबल होती है एंड फिशेज के बहुत सारे बेनिफिट होते हैं हेयर के लिए, बोन के लिए, बट मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली एक फिश मेंशन करूँगा, टूना, क्योंकि सैल्मन एंड सुरमई दोनों महंगी फिशेज है। अब अगर मैं बात करता हूँ टूना की, तो रिच इन विटामिन B6 है, प्रोटीन आपको 28 ग्राम मिलता है, इसके अंदर आपको कार्ब 0 मिलते हैं एंड फैट 1.3 ग्राम मिलता है, तो इट्स वन ऑफ द बेस्ट सोर्स अवेलेबल इन द मार्केट राइट नाउ फॉर लीन प्रोटीन। बट अगर मैं प्राइस की बात करूं तो 350 रुपये किलो यानी कि 350 रुपीज केजी आती है एंड 100 ग्राम आपको पड़ेगी 35 रुपीज की, तो 35 रुपीज में 28 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है, 0 कार्ब्स एंड 1.3 ग्राम फैट के साथ। सो द फोर्थ आइटम इन आवर लिस्ट इज प्रोटीन पाउडर्स। अब देखो मार्केट में बहुत अलग अलग तरीके के प्रोटीन अवेलेबल हैं, तो जो भी आपके पॉकेट को सूट करता है, जो भी आपकी बॉडी को सूट करता है, आप वो चुने। बट लोग कहते हैं ना प्रोटीन खाने से बॉडी खराब हो जाती है, तो मेरे दोस्त प्रोटीन खाने से बॉडी कभी खराब नहीं होती, नकली प्रोटीन खाने से खराब होती है, क्योंकि आपको भी नहीं पता वो उसके अंदर क्या डालते हैं, स्टेरॉयड, कचरा, जो भी वो उसके अंदर भरते हैं। और इंडिया के अंदर ये धांधलेबाजी, ये एक धंधा बन चुका है नकली प्रोटीन का। तो मेक श्योर आप जब भी प्रोटीन खरीदें उस ऑथेंटिक ब्रांड की वेबसाइट से खरीदें जिस पे आपको ट्रस्ट है, या फिर वो खुद ब्रांड की साइट है, या फिर आप डायरेक्ट इम्पोर्टर से इम्पोर्ट करें। बात करते हैं स्पेसिफिक ब्रांड की, तो मैं आपको नहीं सजेस्ट करूँगा, आप खुद अपने हिसाब से चूज करिए। बट यूजुअली कोई भी प्रोटीन ब्रांड एक स्कूप प्रोटीन के अंदर एटलीस्ट 21 ग्राम प्रोटीन रखता ही है, और 25 ग्राम तक, मतलब 21 से 25 तक की रेंज होती है। एंड फैट की बात करूं तो 1-3 ग्राम फैट होता है, कार्ब्स की बात करूं तो 2-5 ग्राम कार्ब्स होता है। और एक प्रोटीन का डब्बा इंडिया के अंदर अच्छे ब्रांड का 5000 के आसपास का आता है 70 सर्विंग के साथ, तो अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूंगा तो एक सर्विंग की कीमत निकल के आती है 71 रुपीज। तो इस हिसाब से 71 रुपीज में आपको 21 ग्राम से 25 ग्राम तक का प्रोटीन मिल सकता है डिपेंडिंग ऑन दैट ब्रांड। बट अगेन मैं दोबारा आपको समझाऊंगा, असली प्रोटीन चूज करना, ऑथेंटिक। सो द फिफ्थ आइटम इन आवर लिस्ट इज सोया चंक। सोया चंक इज बेसिकली एक कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक, क्योंकि सबको पता है और सबने बहुत सारी वीडियो देखी है कि जब हम एक्सेस में सोयाबीन लेते हैं, स्पेशली मेल्स, तो वो उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल सप्रेस करके ईस्ट्रोजन लेवल बढ़ा देती है, जिसकी वजह से हार्मोन इम्बेलेंस हो जाता है। बट वो उन केसेस में होता है जब हम ज़्यादा मात्रा में लेते हैं। यहाँ पे मैं 100 ग्राम की बात कर रहा हूँ, और वो भी मैं आपको बताऊँगा आगे क्यों। अब देखो यहाँ पे भी बहुत सारे ब्रांड मार्केट के अंदर अवेलेबल है, लूज में भी मिलती है, बट यहाँ स्पेसिफिक एक बहुत फेमस ब्रांड यूज कर रहा हूँ मैं, न्यूट्रेला। न्यूट्रेला की सोयाबीन आती है, चंक्स भी आती हैं, सोयाबीन के चाप्स भी आते हैं, बढ़िया भी आती है, तो जो भी आप चूज करना चाहते हो, वी आर टॉकिंग अबाउट सोयाबीन चंक्स, सोया चंक्स जिसको बोला जाता है। तो देखिए 100 ग्राम के अंदर 52 ग्राम आपको प्रोटीन मिलता है, ये मेरी पूरी लिस्ट में सबसे ज्यादा प्रोटीन देती है, सबसे ज्यादा। एंड अगर मैं फैट की बात करूं तो इट्स 0.5। एंड कार्ब्स की बात करूं तो 33 ग्राम कार्ब्स है, और रेट 150 रुपए किलो, यानी कि 15 रुपए में आपको 52 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है। सोचो इससे बेस्ट मेरी पूरी लिस्ट में नहीं है, कांटा लगा लो इस चीज पे कि भाई ये तो करनी ही है। बट अब ईस्ट्रोजन लेवल किसका बढ़ता है, आप सोयाबीन का टोफू भी लपेट रहे हो, आप सोया मिल्क भी पी रहे हो, आप सोयाबीन की बढ़िया भी खा रहे हो, फिर सोया चंक्स भी यूज कर रहे हो, तो अगर आप बहुत ज्यादा सोयाबीन इनटेक कर रहे हो तो आपके साथ ऐसा होगा। बट अगर आपको फिर भी डर है, तो अभी 100 ग्राम की जगह आप 50 ग्राम यूज करो, क्योंकि 100 ग्राम में अगर 52 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है तो आपको 50 ग्राम में भी 26 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा, स्टिल वन ऑफ द बेस्ट डील।
एंड रेट 15 रुपये था, 7.5 रुपये हो जाएगा। तो 7.5 रुपये में आपको यहाँ पे 26 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है, वो भी इतने कम फैट के साथ, तो बहुत अच्छी डील है ये। एंड द लास्ट आइटम इन आवर लिस्ट इज किडनी बीन्स, यानी कि राजमा। राजमा मोस्टली हर किसी के घर में पाया जाता है एंड हमारी मॉम भी बहुत ज़्यादा इसको बनाती है क्योंकि ये हाई इन आयरन तो होता ही है, बट 100 ग्राम के अंदर आपको 24 ग्राम प्रोटीन भी देता है। एंड अगर मैं फैट की बात करूँ तो 0.8 ग्राम फैट होता है जो कि बहुत कम है, बट इट अगेन लोडेड विद कार्ब्स क्योंकि फाइबर भी अच्छी क्वांटिटी में होता है, तो ये आपको अप्रॉक्सीमेटली 60 ग्राम कार्ब्स देता है। और अगर मैं रेट की बात करूं तो 140 रुपीस केजी आता है, 140 रुपए किलो, यानी कि अगेन 14 रुपए में आपको 24 ग्राम प्रोटीन मिलता है, विच इज हाई इन आयरन आल्सो एंड इसके अंदर फाइबर भी अच्छा है। सो गाइज, अब हमारी लिस्ट ये खत्म हो गई है। आई होप आपको बहुत सारी चीजें समझ आई होंगी एंड अगर आप इस लिस्ट के अंदर और कुछ भी ऐड करना चाहते हैं, यह बताना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर मेंशन करना। एंड हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर देना एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज वेब ऑफ सेल्फ।